3500 रुपए की उधारी ना देने पर अगर किसी की हत्या कर दी जाए तो ये किसी भी सभ्य समाज के लिए किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला उस समय सामने आया जब मात्र 3500 रुपए के बकाए को लेकर एक शख्स ने शंभु शरण नाम के एक व्यक्ति को लाठी डंडों से मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। सोमवार की रात हुई इस दर्दनाक घटना का मंगलवार को पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि एक व्यक्ति को गिरफ्त में ले लिया गया है जिसका नाम वीरेंद्र उर्फ भुल्लर है, जो कि हरपुर बुधट थाना अंतर्गत महेता का निवासी है। पुलिस ने इसके पास से एक बाइक, एक मोबाइल और एक डंडा बरामद किया है जिससे शंभु की हत्या की गई थी। मामले का खुलासा करते हुए SP साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी ने बताया, बुधट में शंभु यादव की हत्या 22 तारीख की रात में कर दी गई थी, जिसमें वांछित अभियुक्त ये भुल्लर थे। इनकी गिरफ्तारी की गई है और इनकी निशानदेही पर उन लोगों की पहचान कर दी गई है। पैसा क्या लेन देन का विवाद था इनका और ये पैसे की लेन देन इतनी बढ़ गई, बातचीत इतनी बढ़ गई जो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, मात्र 3500-3600 बता रहे हैं कि ये इनके हमको कुछ चोट लगी और इन्होंने अपने कुछ लोगों को फोन करके बुलाया, जो लोग पहुंचे और घटना पे पहुंच के उसे लाठी डंडों से मारा जिससे उसके मृत्यु हो गई। मुख्य अभियुक्त यही है, इनकी गिरफ्तारी हो गई, बाकी लोग चिन्हित कर लिया गया, उनकी गिरफ्तारी घोषित हो गई। कोई नाम भी घोषित किसी प्रकार को कोई नाम।